Good evening. In today's an important update, the CPIM West Tripura District Committee met with the District Magistrate to discuss relief measures, as incessant rains caused flooding in river basins, increasing public suffering over 48 hours. Let's take a look at the report. The CPIM West Tripura District Committee held a meeting with the Honorable District Magistrate of West Tripura to address the ongoing flood situation and the public suffering caused by incessant rains over the past few days. The region has been experiencing continuous rainfall for the last 48 hours, leading to a significant rise in river water levels and causing floods in river basin areas. The committee urged the administration to take immediate measures to provide relief to the affected people and control the flood situation. The district magistrate assured all necessary actions to mitigate the crisis. Meanwhile, Sri Brijesh Pandey, Secretary, Revenue Department, has held a press meet at Press Conference Hall, Civil Secretariat, Agartala in regard to current flood-like situation in different parts of state due to moderate to heavy rainfall. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक टोटल स्टेट में 183 रिलीफ कैंप्स खोल दिए हैं, जिसमें 5,607 अफेक्टेड फैमिलीज को रखा गया है और उनको जो भी सुविधाएं जरूरत है, जैसे मेडिकल सुविधाएं, वो सब दी जा रही हैं। उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंप्स हैं, जिसमें से 24 हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, 68 रिलीफ कैंप्स हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में, 38 रिलीफ कैंप्स हैं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में एंड 39 रिलीफ कैंप्स हैं खोई डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर और बाकी जो कैंप्स हैं वो बाकी रिमेनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन जो प्रशासन है वो जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से, मतलब मैंने जैसे बताया कि काम कर रहा है, फूड दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सुविधा जो भी रिलीफ कैंप्स में जरूरत है दी जा रही है, और सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ में स्टेट लेवल पे मैं हूँ जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू और इवन चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल सी एम, इस रेगुलरली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। एस डी एम्स और ऑफिसर्स एंड जो लाइन डिपार्टमेंट के जैसे क्रॉप डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर रिसोर्सेज, पावर डिपार्टमेंट से, रोड एंड बिल्डिंग विभाग से, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सबको हमने लगा रखा है और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं कि जैसे ये फ्लड की जो सिचुएशन है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और कैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाए। इसमें बोलूँगा, चूँकि हैवी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से बहुत जगह लैंडस्लाइड इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से कुछ फैमिलीज भी, मतलब कुछ कैजुअलिटीज। Thanks for watching. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.